अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़, मैं हूं धीरज मिश्रा। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुनिया गांव में शनिवार की सुबह घर से 100 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से फैली सनसनी। सिर में गोली मारकर हत्या के बाद शव को घर के पास लाकर फेंकने का लगाया गया आरोप। घटना की सूचना पर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर की छानबीन। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका, शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। पुलिस के अनुसार सिंदुरिया गांव निवासी सुरेंद्र पांडे उम्र 45 वर्ष का अपनी ही पत्नी से विवाद था। दोनों अलग अलग रहते थे। सुरेंद्र सिंदुरिया में सड़क किनारे ही मकान में रहते थे। इसी मकान के एक हिस्से में कुछ छात्र किराए पर रहकर पढ़ाई करते हैं। उनके मुताबिक शुक्रवार की देर शाम सुरेंद्र 2 घंटे में लौटने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद से उनका पता ही नहीं चला। सुबह घर से 100 मीटर दूर एक खेत में सुरेंद्र का शव पड़ा मिला। उनके सिर में नजदीक से गोली मारी गई ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिससे सिर के चिथड़े हो गए थे। सूचना पाकर चौपन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद एसपी और अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद की बात सामने आई है। इसी को आधार मानकर छानबीन की जा रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम का बताइए भैया। अच्छा, ये जो एक्सपायर किए हैं क्या लगते हैं? मेरे सर भाई। तो क्या आपका कहना है? हमारा कहना 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमारे पास कहें कि बहन जी हमारे जान के खतरा है। हमके भैया कुछ न हो, कहें कि मिश्रवा विनोदवा हमके पता चला है। कौन मिश्रा, कौन विनोद? विनोद उनका भाई, मिश्रवा के निर्वंशा का नहीं जानी थी। जेल में डाल तब मैंने के निर्णय हो लड़का के रखा तो के रख ले, मगर कोनो सुनवाई नहीं। एक बार उनका साला है निर्वंशा के नहीं जानित किए बा, मगर हमसे 4 दिन पहले कह रहे हैं, 2-3 दिन पहले आ रहे हैं। हमारे मोबाइल नंबर में जोड़े दिन फोन कर रहे हैं कि महीना मावत है तो उसे देखा तो सर। आज चौपन में एक घटना हो गई है, आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या मामला हुआ? सिंदुरिया गांव में सड़क के किनारे सिंदुरिया गांव के निवासी सुरेंद्र जी हैं, उनका शव मिला है सड़क के किनारे खेत में। और शव के ऊपर जब देखा गया है तो गनशॉट के निशान है। ये गांव में ही रहते थे, इनका मकान है, अकेले ही रहते थे। एक हिस्से में कुछ स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो किराए पर रहते हैं, शादीशुदा हैं, इनकी पत्नी चौपन में रहती हैं बच्चों के साथ, इनका परिवार के साथ अदगाव था। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था और सभी तथ्यों की छानबीन हम लोग कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि इसमें शीघ्र ही तहरीर प्राप्त होते ही उसके आलोक में, और जो यहाँ पे डिजिटल साक्ष हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो सबका विश्लेषण करके इसमें अपराधियों को चिन्हित कर बहुत ही सख्त कार्रवाई की। सर क्या लगता है, पहले भी लगातार ये शिकायत करते चले आ रहे हैं चौपन थाने में, कोई कार्रवाई होती नहीं थी? पारिवारिक विवाद था इनका, इनके बच्चे 2 बच्चे हैं तो अभी बड़े हैं और पत्नी अलग रहती हैं, तो पारिवारिक विवाद है। अब ये जब तक पारिवारिक विवाद सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक तो चलता ही रहता है, उसकी प्रक्रिया भी लंबी होती है। और गांव में और कोई विवाद का एंगल अभी तक की जांच से नहीं समझ में आया, तो हम लोग देख रहे हैं इसको बिल्कुल तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के, और जो भी व्यक्ति इस घटना के पीछे जिम्मेदार होगा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की।